हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है विजय आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे मर्ज शॉर्ट की हम लोग जानेंगे मर्ज मर्सॉर्ट क्या होता है और मर्जिंग क्या होती है और इसे कैसे अप्लाई करा जाता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब देखिए मर्ज मर्सॉर्ट किस तरह से काम करता है वो क्या करेगा आपके एरे को डिवाइड करता रहेगा और कब तक डिवाइड करता रहेगा जब तक तो सिंगल एलिमेंट में कन्वर्ट ना हो जाए और फिर उसको मर्ज करेगा जिसमें हम मर्जिंग की प्रोसेस को लगाते हैं तो लीजिए मान लीजिए मैंने यहाँ पर कुछ डाटा रखा हुआ है ठीक है ठीक है ये क्या करेगा इस एरे को डिवाइड कर देगा दो पार्ट्स में ठीक है और वो दो पार्ट्स क्या होंगे जैसे बिल्कुल सेंटर में से फाइव एलिमेंट इधर कर देगा फाइव एलिमेंट इधर कर देगा तो एक हमारा एरे बन जाएगा जिसमें क्या होंगे आपके फाइव एलिमेंट होंगे ठीक है जैसे कि फाइव यहां पर आ गया फोर यहां पर आ गया थ्री यहां पर आ गया ट्वेंटी वन यहां पर आ गया ट्वेंटी फाइव यहां पर आ गया ठीक है और यहां पर एक और एरे बन जाएगा आपका जिसमें आ जाएगा आपका ट्वेंटी सिक्स जिसमें आएगा सेवन जिसमें आएगा एट जिसमें आएगा नाइन और जिसमें आएगा टेन ठीक है और फिर ये जो आपका एरे होगा ये फर्दर आपका डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट में और ये कब तक होता रहेगा जब तक हमारा जो एलिमेंट है वो क्या होना हो जाए सिंगल सिंगल नोड में कन्वर्ट ना हो जाए जैसे यहाँ पर आ गया फाइव यहाँ पर आ गया फोर यहाँ पर आ गया थ्री और यहाँ पर आपने यहाँ पर कर दिया ट्वेंटी वन और यहाँ पर आ गया ट्वेंटी फाइव ठीक है और यहाँ पर ये भी ऐसे ही होगा आपका फर्दर टू पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा जैसे ट्वेंटी सिक्स सेवन और एट और यहाँ पर नाइन और ये आपका टेन ठीक है अब देखिए फिर फर्दर से डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट्स में ठीक है ये पार्ट में दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा इसमें क्या होगा सिंगल सिंगल एरिया आ जाएगा ये आ जाएगा ट्वेंटी वन आ जाएगा एक आ जाएगा ट्वेंटी फाइव ठीक है और यहाँ पर क्या होगा एक आपका बन जाएगा फाइव फोर का और एक आपका बन जाएगा थ्री का और यहाँ पर ये फर्दर डिवाइड हो जाएगा इस तरीके से एक फाइव में और एक फोर में इस तरीके से इधर पार्ट भी ऐसी होगा ठीक है तो ये जो हो रहा है इसमें ये क्या कर रहा है मर्ज शॉर्ट अपने आप को ही कॉल करे जा रहा है अपने आप को ही फर्दर डिवाइड करते जा रहा है जब तक सिंगल यहां पर लास्ट नोड में ना पहुंचा जाए इसी तरह से यहां पर इस साइड में भी होगा ठीक है राइट हैंड साइड में वो आप कर लीजिएगा ठीक है अब देखिए ये करने के बाद होगा क्या इसके बाद एक प्रोसेस होती है आपकी जिसे हम कहते हैं मर्जिंग अब देखिए मर्जिंग क्या होती है ये समझते हैं उससे पहले मैं क्या करता हूँ आपको कोड दिखा देता हूँ मर्ज शॉर्ट का ठीक है लॉजिक आप समझ गए हैं सबसे पहले हमें क्या करना है यहां पर एक एरिया आएगा ठीक है और एक P की वैल्यू आएगी ठीक है और एक Q की वैल्यू आएगी ठीक है P और Q ले रहा हूं मैं ठीक है अब इसमें P क्या है Q क्या है P आपका स्टार्टिंग होगा Q आपका एंडिंग होगा पहली कंडीशन में यहां पर क्या लिखूंगा अगर P आपका छोटा होता है Q से उस केस में हम लोग क्या करेंगे एक नया वेरिएबल लेंगे आर और आर में क्या होगा आपका हम लोअर बाउंड ले रहे हैं ठीक है थेके? पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई आर कि हम लोग क्या कर रहे हैं एरे को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं पी स्टार्टिंग एड्रेस है और क्यू आपका आखिरी का एड्रेस है जैसे वन है और टेन वन और टेन प्लस हो कितना आएगा अपॉन कितना हो जाएगा फाइव पॉइंट फाइव तो यहां पर हम लोअर बाउंड ले रहे हैं ठीक है तो यहां पर कितनी वैल्यू हो जाएगी फाइव पॉइंट फाइव की फाइव बन जाएगा मतलब आर में सेव हो जाएगा फाइव ठीक है अब देखिए फाइव जब हमारा सेव हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे पी से लेकर फाइव तक का एक एरे बना देंगे जो कि हमने बनाया था पी से लेकर आर तक का एरिया बना देंगे जो कि तुम्हारा क्या बन जाएगा वन टू थ्री फोर और फाइव का एक एरिया बन जाएगा दूसरा क्या बन जाएगा सिक्स सेवन एट नाइन और टेन का एक एरिया बन जाएगा ठीक है तो यहाँ पर वही चीज करेंगे दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे ठीक है तो यहां पर, तो पर हमारा एक एरिया बन जाएगा जो कि ए वैल्यू लेगा और पी और आर वैल्यू ले लेगा ठीक है और इसी में हम लोग क्या करेंगे मर्ज शॉर्ट को दोबारा कॉल कराएंगे क्योंकि तो हमें इसमें क्या करना है दोबारा इसको फर्दर डिवाइड करना है वही तो चीज तो कर रहे हैं हम यहाँ पर ये जो हमारा एरे है इसको फर्दर डिवाइड कर रहे हैं मतलब इस पर हम दोबारा से अपने मर्ज शॉर्ट को कॉल कर रहे हैं ठीक है तो यहां पर क्या करेंगे मर्ज शॉट को कॉल कर लेंगे जिसमें हम ए पास करेंगे हमारा एरे ठीक है और पी और आर वैल्यू पास करेंगे ठीक हो गया फिर देखिए क्या होगा जो दूसरा पार्ट बनेगा वो दूसरा पार्ट क्या बनेगा ए एरे पास हुआ और जो Q था जो R था वो पास होगा उसमें एक वैल्यू एड होके पास होगी क्योंकि R की वैल्यू क्या थी ऊपर देखें पांच पांच में से दूसरा एरिया बन रहा है छह से स्टार्ट हो रहा है तो यहां पर इसलिए क्या कर रहे हैं प्लस वन कर रहे हैं आर प्लस वन और एक और साथ में क्या हो पास होगा लास्ट की वैल्यू पास होगी क्यू ठीक है तो ये इस तरीके से पास हो जाएगा और फिर हम लोग क्या करेंगे मर्ज को कॉल करा लेंगे ठीक है मर्ज हमारा एक फंक्शन होगा जो कि किस तरह से काम करेगा वो भी बताएंगे थोड़ी देर में जिसमें हम पी क्यू आर तीनों की वैल्यू को ही पास करेंगे ठीक है अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात भी मैं करूंगा ठीक है पहले मैं आपको बता दूँ कि मर्जिंग किस तरह से काम करती है मर्ज किस तरह से काम करता है अब देखिए मर्ज में क्या होगा और यहाँ पर p r q होगा ना कि p q r और यहाँ कॉल हो जाएगा हमारा मर्ज p r q के साथ ठीक हो गया सबसे पहले एक वन ले लूंगा मैं ठीक है जो क्या करेगा r p 1 और n2 होगा हमारा एक जो क्या करेगा q r करेगा देखिए क्यू था आखिरी वैल्यू ठीक है क्यू पहले एन टू की बात बता रहा हूँ क्यू क्या था आखिरी वैल्यू थी उसमें से आर को माइनस कर दिया आर क्या था जो मिडिल की वैल्यू निकल के आई थी ठीक है हम लोग क्या कर रहे हैं स्टार्टिंग एड्रेस मिडिल की वैल्यू और क्यू एंड की वैल्यू भेज रहे हैं तो एन वन क्या निकल गया एन वन निकला हमारा आर माइनस वन मतलब यहाँ पर मिडिल की वैल्यू में से पी की वैल्यू को माइनस कर दिया ठीक है मतलब मैंने पाँच में से एक को माइनस कर दिया प्लस एक कर दिया मतलब यहाँ पर एन वन का साइज कितना हो गया पाँच एन टू का साइज कितना हो गया एन टू का होगा क्यू क्यू था यहाँ पर हमारे केस में दस दस में से आर माइनस किया मतलब पांच माइनस किया तो यहाँ पर आ गया पांच तो हमारे पा, एक एन वन एरे बना पाँच साइज का एक एन टू एरे बना पाँच साइज का ठीक है पाँच पाँच साइज के दो एरे बन चुके हैं हमारे पास ये चीज ध्यान रखिएगा अब मैं क्या करूँगा एक एरे क्रिएट करूँगा ए वन नाम दे रहा हूँ इसको एरे को ये होगा वन से लेकर एन वन प्लस वन तक इसके साइज़ का एरिय बताना है मेरे को और यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू पाँच निकली थी और इसकी वैल्यू भी पाँच निकली थी तो मैं छः साइज का एयरिया लूँगा यहाँ पर भी छः साइज का एयरिया लूँगा क्यों लूँगा अभी बताता हूँ ठीक है और एक और एरिया ले लूंगा मैं जिसको मैं ए टू नाम दूँ टू तो, जो कि क्या करेगा वन से लेकर वन से लेकर कहाँ तक की वैल्यू लेगा एन टू प्लस वन मतलब एक यहाँ पर इसका भी छः साइज होगा एक से लेकर छः तक क्योंकि इसका साइज भी पाँच है ठीक है न्यू एरे बनाएंगे हम लोग ठीक है ये न्यू एरे होंगे अब एक फॉर का लूप लगाता हूँ फॉर का लूप क्या करेगा आई कि वन से लेकर कहाँ तक चलेगा एन वन तक चलेगा और ये क्या काम करेगा नए एरे को क्रिएट करेगा किससे हमारे पुराने एरे से ए वन एरे को क्रिएट करेगा और ए वन में आई की वैल्यू आ जाएगी ठीक है और यहाँ पर क्या हो जाएगा जो हमारा एरे पास हो रहा था ठीक है वो और उसमें पी प्लस आई माइनस वन तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए पी क्या है पी की वैल्यू थी वन वन प्लस वन माइनस वन ये से हो जाएगा वन तो पी वन की वैल्यू वन ए वन में आ जाएगी ठीक है मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं जो मैंने यहाँ पर फर्दर डिवाइड किया है ना ये ये डिवाइड किया है आपका डिवाइड हो गया होगा पांच से लेकर आठ तक इसमें ये एक एक नया नया एरे एरे है बना A1. जहां पर P0 की वैल्यू यहां पर जीरो पोजिशन आ जाएगी पी वन की वैल्यू वन पोजिशन पे पी टू की वैल्यू टू पोजिशन पी थ्री की वैल्यू थ्री पोजिशन पे पी फोर की वैल्यू फोर्थ पोजिशन पर आ जाएगी आपकी इस तरह से होगा ये ठीक है तो हमारे पास न्यू एरे बन के आएगा हमारे पास इस तरीके से और एक और आखिरी का जो नोड होगा उसमें क्या आएगा इन्फिनिटी बन के आएगा अब इन्फिनिटी क्यों ले रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा ठीक है पहले तो हम ये बनाते हैं एक नया एरे ये वन फिर मैं यहां पर करूंगा एक और रूप लगाऊंगा यहां पर जो क्या होगा जे की वैल्यू वन से लेकर कहां तक चलेगा एंड टू तक चलेगा ठीक है और इसमें क्या होगा आर जे की वैल्यू और ए आर प्लस जे की वैल्यू होगी अब आर की वैल्यू क्या थी आर की वैल्यू थी पांच जे की वैल्यू जब वन होगी तो यहां पर सिक्स बनेगा ठीक है ए सिक्स मतलब हमारा जो बड़ा वाला एरिया है उसकी सिक्स पोजीशन उसकी सिक्स पोजीशन ट्वेंटी कहां पर बनेगी एक नया एरिया बनेगा ए टू उसकी फर्स्ट पोजीशन बनेगी ठीक है तो यहाँ पर आएगा हमारा आर नहीं आएगा यहाँ पर ए टू आएगा ठीक हो ये दो दो लूप दो एरे बन गए हमारे अब जैसे कि मैंने कहा था कि हम लोग क्या करेंगे एरे के एंड में क्या करेंगे एक इन्फिनिटी एड कर देंगे ए वन के एंड में एंड में कैसे पहुंचेंगे एंड में पहुंचने के लिए क्या होना चाहिए एन वन प्लस वन में पहुंच जाऊंगा इन्फिनिटी और ए टू का जो एंड होगा मतलब एन टू प्लस वन में कर दूंगा इन्फिनिटी दोनों में इन्फिनिटी कर दिया ठीक है अब हमारा क्या हुआ एरिए तो क्रिएट हुआ उसके साथ साथ क्या होगा इन्फिनिटी एड हो जाएगा एंड में यहाँ पर एक इन्फिनिटी एंड हो जाएगा यहाँ पर भी एक इन्फिनिटी एड हो जाएगा ठीक है अब क्यों कर रहे हैं ये भी अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा आपको ठीक है अब इसको हटा देते हैं यहाँ से अब देखिए i की वैल्यू वन और j की वैल्यू वन ली मैंने ठीक है अब मैं क्या करूंगा एक और लूप लगाऊंगा फॉर का लूप जो कि k के p से कहाँ तक स्टार्ट होगी आपके q तक ठीक है p से q तक चलेगा एक लूप क्योंकि अब मुझे क्या करना है एक बड़ा एरे बनाना है जिसमें सारी वैल्यू शॉर्ट होके आएंगी मर्ज होके आ जाएंगे ठीक है क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं जो हमारे पास एरे पहले से गिवन है उसी एरे में चेंज नहीं कर रहे हैं हम एक नया पूरा प्रॉपर नया एरे बनाएंगे उसका साइज भी कितना होना चाहिए पीस लेकर क्यू तक मतलब दस एलिमेंट आने चाहिए तो उसका साइज भी दस होना चाहिए ठीक है तो उसके लिए मैं हमारी पुख रहा हूँ कि के की वैल्यू पी से स्टार्ट होगी क्यू तक और इफ़ की इफ़ कंडीशन चेक करा रहा हूँ कि एल कंडीशन चेक करा रहा हूँ कि जो हमारे ये सब डिवाइड हुए ना एरे ए वन ए टू बने उनकी वैल्यू कंपेयर करूंगा ए वन ए वन का जो आई होगा अगर वो लेस देन इक्वल टू होता है ए टू के जे से ठीक है ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे ए के के में ए वन के की वैल्यू डाल देंगे ठीक हो गया और फिर आई को इंक्रीमेंट कर देंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे आई को इंक्रीमेंट कर देंगे अब ऐसा क्यों कर रहे हैं एग्जाम्पल से करके कर, कर बताऊँगा ठीक है हम आपको दो हमारे दो एरे बने हैं ठीक है दो एरे बने सब एरे उसमें हम लोग क्या करें उसकी स्टार्टिंग की वैल्यू को इसकी स्टार्टिंग की वैल्यू से कंपेयर कर रहे हैं अगर ये छोटा होता है ये छोटा होगा तो उसमें हम नए एरे में इसको रख लेंगे इस वैल्यू को यहाँ पर फैच कर लेंगे अगर ये दो है ये तीन है ये छोटा है तो दो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी ये कर रहे हैं और फिर हम लोग क्या करेंगे आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे आई की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी आपके और ये जे की वैल्यू यहाँ पर रहेगी जिसकी वैल्यू को लिखेंगे उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे ठीक हो गया जैसे मैंने यहाँ पर इस एरे की वैल्यू को लिखा है तो आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया है अगर मैं जे की वैल्यू लिख रहा तो मैं यहाँ पर जे की वैल्यू को इंक्रीमेंट करता ठीक हो गया एल्स अगर ऐसा नहीं होता है इसका मतलब क्या है ए आई क्या है बड़ा है उससे तो उस किस में मैं क्या करूंगा ए के के की जगह कौन सी वैल्यू रख दूंगा ए टू जे के ठीक है ए टू के जे की वैल्यू रख दूंगा फिर जे को इंक्रीमेंट कर दूंगा अब देखिए इसको मैं आपको एग्जांपल समझाऊं ये आपका टोटली कोड कंप्लीट हो चुका है अब देखिए वो क्या रहा है ये समझते हैं एक एक करके मान लीजिए हमारे पास एक एरे है ठीक है इसमें कुछ वैल्यू है इसमें मैं मर्ज शॉर्ट पर लगा रहा हूँ मर्जिंग में लगाऊंगा ठीक है दोनों चीज करूँगा फोर्टीन कर लेते हैं और इसको यहाँ पर टू कर लेते हैं ठीक हो गया अब इसमें पहले डिवाइड होगा डिवाइड होगा क्या बनेगा सेवन और दूसरा कैसे बनेगा अब इसमें क्या हो रहा है मर्ज शॉर्ट हो रहा है ये फंक्शन एरे था ठीक है ये हमारी पी की वैल्यू ये हमारी क्यू की वैल्यू यहाँ पर इसको वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ठीक है पी की वैल्यू वन है क्यू की वैल्यू एट है क्यू की वैल्यू एट है तो यहां पर क्या हो जाएगा पी बना और आर क्या आएगा एट प्लस वन नाइन नाइन डिवाइडेड बाई टू हो जाएगा आपका फोर पॉइंट फाइव लोअर बाउंड लगेगा तो यहां पर आ जाएगा फोर तो वन से लेकर फोर तक की वैल्यू यहां पर आएगी यहाँ आ जाएगी वन टू थ्री और फोर ठीक है यहां कितनी आ जाएगी क्वेश्चन हमारे फॉर्मूले में क्या है Q माइनस आर क्यू एट माइनस फाइव एट माइनस फोर फोर दूसरा एयर भी फोर का बनेगा ठीक है और यहाँ पर ए टू के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं ए टू किसके बराबर है ए टू के लिए हम लोग कर रहे हैं जे से लेकर एन टू तक जा रहे हैं ठीक है तो यहां पर क्या आ जाएंगी वैल्यू यहाँ पर आ जाएंगी आपकी एट सिक्स फोर्टीन और टू ठीक है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आर प्लस वन आर प्लस वन है ये आर प्लस वन वाला फिफ्थ वैल्यू फिफ्थ सिक्स सेवन और एट्थ जो कि क्यू की वैल्यू थी आपकी ठीक हो गया अब क्या होगा देखिए अब ये फर्दर डिवाइड होगा कितने में डिवाइड होगा एक दो तीन चार ठीक है अब ये पी पी रहा और क्यू ये आर बन जाएगा क्यू तो पी प्लस क्यू कितना था पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई टू था पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई टू और उसमें लोअर बाउंड लगा हुआ था तो यहाँ पर कितने कितने के बनेंगे देखिए चार है चार का कितना हो जाएगा दो दो का बन जाएगा तो यहाँ पर सात और चार और यहाँ पर तीन और नौ ये आ जाएंगे ठीक हो गया ये बन जाएगा इसमें भी इसी होगा अभी जो आर प्लस वन है ये बन जाएगा पी और ये जो क्यू था ये तो क्यू ही रहेगा तो ये फर से फिर से डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा एट और सिक्स और यहाँ कितना आ जाएगा 14 और टू ठीक है फिर फर्दर डिवाइड होगा, फोर और, और ये कितना हो जाएगा थ्री और नाइन यहां पर भी ऐसी होगा ये जो स्टेप हुआ है ना ये दो जो लाइन मैंने लिखी है ना ऊपर शॉर्ट में ये शॉर्ट पी आर और मर्सॉर्ट आर प्लस क्यू इन दोनों से होगा क्योंकि ये क्या करेगा बार बार अपने आपको कॉल करेगा बार बार डिवाइड करेगा फिर अपने आपको कॉल करेगा फिर भी डिवाइड करेगा चल रहा है यहां पर आप, रिकर्शन आपको पता है किस तरह से काम करता है तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा जब आखिरी में एक एक नोड बचेगी जब और फर्दर डिवाइड करने के लिए नहीं रहेगा तो उस केस में उस केस में क्या होगा ये जो कंडीशन है ना आपको याद है पी इज लेस देन क्यू मैंने यहां लिखा है पी इज लेस देन क्यू ठीक है तो इस केस में देखिए जब यहां पर सिंगल नोड रह जाएगी यहां पर इस केस में तो पी भी यही है क्यू भी यही है यहाँ पर पी भी यही है क्यू भी यही है पी भी यही है क्यू भी यही है ऐसी यहां पर भी होगा तो यहां पर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो दोबारा यहाँ पर मर्ज कॉल नहीं हो पाएगा तो यहां पर ये यह एंड हो जाएगा एंड हो जाएगा तो कहाँ जाएगा एंड हो जाएगा तो बैक ट्रैकिंग करेगा बैक ट्रैकिंग करेगा तो यहाँ पर ये यह सब चल चुके हैं क्या चलेगा मर्ज चलेगा अब देखिए मर्ज किस तरह से चलेगा मर्ज में पी ये है और आर और आर प्लस वन और क्यू ऐसे होगा ठीक है तो ये वैल्यू जा रही है तो ये क्या करेगा जैसे कि मर्जी में हम लोग क्या कर करें देखिये एन प्लस वन आर की वैल्यू कितनी है इसमें वन है पी की वैल्यू कितनी है 1 है 1 -1, 0, 0 +1, 1. तो यहां कितना बना एन टू का साइज आया आया का कितना N2 का साइज साइज कितना N2 का कितना आएगा वन ठीक है, है 1. और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं एक एरे बनाएंगे जिसमें वैल्यू को रखेंगे ए वन और ए टू और एन प्लस वन इजल टू इंफिनिटी एन प्लस टू इजल टू इन्फिनिटी आ गया अब क्या होगा ए बना सेवन अपन इन्फिनिटी ए बना फोर इन्फिनिटी अब क्या हो रहा है आई की वैल्यू ये रहेगी जे की वैल्यू ये रहेगी ठीक है अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ना ए आई इक्वल टू ए टू जे ठीक है तो ए वन हमारा ये रहा ए टू हमारा ये रहा ठीक है ए वन का आई ए टू से कंपेयर होगा हाँ यहाँ पर एक एरे बनेगा जिसमें जो छोटी वैल्यू होगी वो आ जाएगी जो छोटी वैल्यू आ जाएगी वो इंक्रीमेंट हो जाएगी जे यहाँ पहुंच जाएगा ठीक है क्योंकि यहाँ पर पहले गई कंडीशन क्या हो गई आपकी फॉल्स हो गई ए आई छोटा नहीं है बड़ा है तो एल्स वाली कंडीशन चलेगी एल्स वाली कंडीशन में जे की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे पहले वैल्यू सेव कराने के बाद जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी फिर क्या होगा दोबारा से फॉर का लूप चलेगा ठीक है फॉर का लूप चलेगा तो यहाँ पर क्या होगा अब आई की वैल्यू दोबारा इन्फिनिटी से कंपेयर होगी इन्फिनिटी से कंपेयर होगी तो मतलब आई छोटा है यहाँ पर सेवन आ जाएगा और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी इन्फिनिटी पहुँच जाएगी इन्फिनिटी से कंपेयर होगा तो यहाँ पर कोई भी आंसर निकल के नहीं आएगा तो यहाँ पर ये एक एरे बन गया जिसमें फोर और सेवन शॉर्ट हो गया ठीक है शॉर्टेट फॉर्म में आ गया हमारा अब देखिए इसी तरह से इसमें भी होगा थ्री और नाइन में थ्री और नाइन का भी ऐसे क्या होगा एक एरे बन जाएगा जिसमें थ्री पहले आएगा नाइन बाद में आएगा फिर क्या होगा यहाँ पर भी ऐसे होगा यहाँ पर सिक्स पहले होगा और एट पहले होगा और यहाँ पर भी क्या होगा एक एरे बन जाएगा जिसमें टू और फोर्टीन होगा फिर इसका भी एक नया एरे बनेगा जिसमें इन्फिनिटी होगा और यहाँ पर एक इन्फिनिटी एड हो जाएगा अब इन दोनों से एक एरे कंबाइन होगा क्योंकि यहाँ पर दोबारा से मर्ज लगेगा ना दोबारा से मर्ज लगेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फोर आई यहाँ पर होगा और जे यहाँ पर होगा तो फोर थ्री से कंपेयर होगा थ्री लिख जाएगा और जे इंक्रीमेंट हो जाएगा नाइन पहुंच जाएगा आई फोर से कंपेयर होगा नाइन से तो यहाँ पर क्या होगा फोर यहाँ लिखा जाएगा और आई इंक्रीमेंट हो जाएगा जो लिखा जाता है वो इंक्रीमेंट होता है बताया था मैंने और वही हम कर भी है, अपने कोर्ट से तो आई यहां पर आ गया अब सेवन जे से कंपेयर होगा सेवन नाइन से कंपेयर होगा क्या हुआ सेवन लिखा जाएगा और फिर आई इंक्रीमेंट हो जाएगा अब आई पहुंच गया इन्फिनिटी पे इसलिए हमने इन्फिनेटी लिया था क्योंकि इन्फिनी से हर चीज चीज उठी होगी आई जे से कंपेयर हुआ तो नाइन लिखा जाएगा अब जे भी इंक्रीमेंट होगा इन्फिनिटी इन्फिनिटी आ गया तो यहाँ पर एंड हो जाएगा इसी तरह से यहाँ पर भी होगा यहाँ कितना हो जाएगा सिक्स ये आई हो जाएगा ये जे हो जाएगा सिक्स और टू कंपेयर होंगे तो टू लिखा जाएगा और जे आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा और यहाँ पर इन्फिनिटी भी होगा साथ में ऐड होगा ठीक है तो इन्फिनिटी हम ऐड कर रहे हैं अभी आएगा है, यहीं था फिर फोर्टीन को सिक्सटी सिक्स से कंपेयर होगा तो सिक्स लिखा जाएगा और आई इंक्रीमेंट हो जाएगा आई पहुँच जाएगा एट पर यह एट ऐसी इसको एड कर लीजिए अब देखिए एट और फोटीन कंपेयर होगा तो यहाँ पर एट लिखा जाएगा ठीक है फिर आई इंक्रीमेंट हो गया आई पहुंचे इन्फिनिटी में इन्फिनिटी और जे कंपेयर होगा तो यहाँ पर क्या आएगा फोर्टीन जो छोटा था वो आएगा और फिर इन्फिनिटी फिर जे भी इंक्रीमेंट हो जाएगा इन्फिनिटी इंट्री कुछ नहीं होगा यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा अब इन्फिनिटी कहने का मतलब क्या है कि आप बहुत बड़ा नंबर ले रहे हैं ठीक है ठीक है? है और यहाँ पर फिर से इन्फिनिटी आ जाएगा यहाँ पर भी इन्फिनिटी आ जाएगा अब देखिए अब इन दोनों में कंपेरिजन होगा इन दोनों में आई ये बनेगा जे ये बनेगा एक नया एरे बनेगा वैल्यूज क्या आई और जे में कौन छोटा है टू छोटा है तो जे इंक्रीमेंट हो गया अब थ्री और सिक्स में कौन छोटा है थ्री छोटा है तो आई इंक्रीमेंट हो जाएगा अब आई और जे में कौन छोटा है फोर छोटा है तो फिर से आई इंक्रीमेंट हो जाएगा सात और छह में कौन छोटा है छह छोटा है तो छह लिख दिया और जे इंक्रीमेंट हो जाएगा अब जे और आई में क्या इंक्रीमेंट छोटा है सेवन छोटा है तो सेवन आ जाएगा और आई इंक्रीमेंट हो जाएगा और फिर क्या होगा नाइन और एट में कौन छोटा है एट छोटा है तो एट आ जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर क्या होगा किसकी वैल्यू लिखी थी जे की तो जे आ जाएगा फोर्टीन फोर्टीन और नाइन में कौन छोटा है नाइन है तो नाइन आ जाएगा और जे आई पहुंच जाएगा इफिनिटी में इन्फिनिटी और फोर्टीन में कौन छोटा है फोर्टीन छोटा है तो फोर्टीन आ जाएगा इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा आपका तो इस तरीके से देखिए पूरा कंबाइन हो गया और हमारे सॉर्टेड फॉर्म में हमें वैल्यू थी वो मिल गई ठीक है तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारे जो यहाँ पर मर्ज शॉर्ट है एरे में कॉल हो रहा है यहाँ पर क्या है पोजीशन वन से लेकर एट तक की वैल्यूज है हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ठीक है जिनको हम शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो यहां पर देखिए मर्ज शॉर्ट कॉल हो रहा है वन से लेकर एट तक ठीक है अब ये मर्ज शॉर्ट क्या करेगा सबसे पहले मर्ज शॉर्ट को दोबारा कॉल करेगा ठीक है मर्ज शॉर्ट को दोबारा कॉल करेगा, करेगा जिसमें ये कुछ वैल्यूज को पास करेगा दो मर्ज शॉर्ट कॉल करेगा ये ठीक है तो यहाँ पर मर्ज शॉर्ट यहाँ पर भी कुछ वैल्यू पास होंगी और तीसरा क्या क्या कॉल होगा आपका मर्जिंग कॉल होगी ठीक है जिसमें हम लोग मर्ज करते हैं ठीक है इसमें कुछ वैल्यूज पास होंगी तो यहाँ पर देखिए क्या क्या वैल्यू पास हो रही है वो हम लिखते हैं जो कल कल हमने एग्जाम्पल बताया था वहीं पर लिया है तो यहाँ पर देखिए वन से लेकर एट तक की वैल्यू पास करी तो वन से लेकर फोर तक की इंडेक्स हमें मिली तो यहाँ पर एक मर्जिंग में वन से लेकर फोर तक इंडेक्स आएगी है वन और फोर पास हुआ है यहाँ पर ठीक है उसी दूसरे फॉल दूसरे उसमें क्या पास होगा फाइव से लेकर एट तक का पास होगा ठीक है और फिर मर्जिंग किस में कॉल होगी वन पास होगा स्टार्टिंग वैल्यू मिडिल की वैल्यू जो कि फोर से डिवाइड हो रहा है ठीक है आखिरी की वैल्यू जो कि एट है ठीक है इसी तरह से देखिए मर्शॉर्ट क्या करेगा फिर से तीन को कॉल करेगा दोबारा मर्शॉर्ट को कॉल करेगा जिसमें वैल्यू क्या पास करेगा वो हम देखेंगे अभी पहली वैल्यू क्या पास कर रहा है देखिए वन फोर ये अपना पास कर रहा है वन और टू ठीक है इसकी पोजीशन क्या होगी इसकी पोजीशन होगी वन और इसकी पोजीशन क्या होगी टू इसी की तरह इसकी पोजीशन क्या होगी इसकी पोजीशन होगी थ्री और इसकी पोजीशन होगी फोर ठीक है तो यहाँ पर वन टू पास हो रहा है और यहाँ पर थ्री फोर पास हो रहा है तो वन टू और दूसरा जो मर्शॉर्ट कॉल कर रहा है ये वो वन सॉरी थ्री और फोर का कर रहा है और फिर यहाँ पर मर्ज को कॉल कर रहा है मर्ज में क्या पास कर रहा है वन पास कर रहा है टू पास कर रहा है और फोर पास कर रहा है ठीक है उसी तरह से ये भी होगा आपका ये भी क्या करेगा एक मर्ज शॉर्ड को कॉल करेगा यहाँ पर एक क्या पास करेगा पाँच इसकी स्टार्टिंग वैल्यू होगी और यहाँ पर एंड कहाँ पर हो रहा है देखिए फाइव से लेकर एट वाला आ, आ, फाइव और सिक्स और सेवन और एट ठीक है फाइव और सिक्स सेवन और एट और दूसरा जो मर्शॉर्ड होगा वो किसको कॉल करेगा सेवन और एट को ठीक है और एक फिर क्या हो रहा है आपका मर्ज कॉल हो रहा है और जो कि मर्ज कॉल क्या करेगा फाइव को कॉल करेगा ठीक है और सिक्स को कॉल करेगा एट को कॉल करेगा ठीक है अब देखिए ये जो मर्ज है ये किस को कॉल करेगा ये दोबारा एक मर्ज को कॉल करेगा मर्श शॉट को और इसमें पास क्या करेगा वन वन और दूसरा क्या पास होगा मर्श शॉट टू टू और तीसरा आपका मर्ज पास होगा जो कि वन 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 टू वैल्यू ले लेगा ले इसी तरह से ये वाला जो मर्ज शॉट होगा वो क्या करेगा दोबारा से दो मर्स को कॉल करेगा पहला इसको और दूसरा यहाँ पर लिख रहा हूँ ठीक है मैं इसमें क्या कॉल करेगा ये थ्री थ्री और एक मार शॉर्ट में क्या करेगा फोर फोर ठीक है और एक मर्ज कॉल करेगा ये जिसमें क्या पास होगा थ्री थ्री और फोर इसी तरह से ये भी होगा आपका ये वाला मर्ज क्या करेगा देखिए मार शॉर्ट को कॉल करेगा जिसमें क्या पास होगा वैल्यूज कौन कौन सी पास होंगी फाइव और फाइव ठीक है और कॉल होगा यहाँ पर से जहाँ क्या कॉल होगा मार शॉर्ट सिक्स और सिक्स और यहाँ पर एक मर्ज भी कॉल होगा इसके साथ साथ जो हो गया सेवन सॉरी फाइव फाइव और सिक्स ये मर्ज कॉल होगा इसी तरह से यहां पर जो ये सेवन एट है ये किसको 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 कॉल करेगा देखिए यहां से मैं इसको यहाँ कॉल करवा रहा हूँ ठीक है यहाँ पर तीन ले लीजिए एक दो तीसरा पहला जो मर्ज शॉर्ट कोई कॉल करेगा वो सेवन सेवन वाला करेगा दूसरा कौन सा करेगा एट एट वाला करेगा और एक मर्ज कॉल करेगा जिसमें सेवन सेवन एट वैल्यू जाएगी ठीक है तो यहाँ पर देखिए फंक्शन कॉल क्यों करवाया मैंने क्योंकि यहाँ पर से पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि फंक्शन कॉल कितने हुए ठीक है तो आपको पता होना चाहिए फंक्शन कॉल कितने हुए हैं ठीक है और यहाँ पर हम ये भी देख लेंगे कि स्टैक में कितनी वैल्यू आ रही है ठीक है मतलब एक्टिवेशन रिकॉर्ड में कितनी वैल्यू रह रही है और यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि फंक्शन कॉल कितने हो रहे हैं तो आप फंक्शन कॉल तो, तो ऐसे निकाल लेंगे काउंट कर लेंगे फंक्शन कॉल ठीक है तो हमारे केस में कितने हो रहे हैं देखिए सबसे पहले तो ये वन वन बाई एट एक कॉल हुआ फिर यहाँ पर तीन हुए तो चार हो गए टोटल चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह तेरह कॉल हुए और यहाँ पर चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अट्ठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस टोटल कितने फंक्शन कॉल हो गए ट्वेंटी टू फंक्शन आपके कॉल हो चुके हैं ठीक है ट्वेंटी टू फंक्शन आपके कॉल हो चुके हैं उसके बाद आपकी आ सकता है कि एक्टिवेशन रिकॉर्ड में कितने आ रहे हैं एक टाइम पे मैंने आपको जब रिकर्शन पढ़ाया था सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तब भी मैंने आपको निकालना सिखाया था कि एक्टिवेशन रिकॉर्ड कैसे निकालते हैं तो यहाँ पर देखिए एक्टिवेशन रिकॉर्ड निकालने के लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पर एक स्टैग बना लूँगा और यहाँ पुश करते रहूँगा जो जो मेरा आते रहेगा और जो कम्प्लीट होता रहेगा उसको पॉप करते रहेंगे वन अपॉइंट एट आया पुश हो गया तो इसको दे देते नंबर वन नंबर वन फंक्शन कॉल है फर्स्ट नंबर कॉल है ठीक है फिर हमारा यहाँ पर देखिए वन बाई फोर कॉल हुआ हमारे मर और ये भी आ गया ठीक है तो ये पुश कर दिया इसको मैंने नंबर टू दे दिया उसके बाद देखिए जब ये वन बाई फोर कॉल हुआ तो इसने कौन कौन से कॉल किए मर्ड शॉर्ट कॉल किया वन बाई टू वाला तो ये तीसरी पोजीशन वाला ये आ गया ठीक है और इस मर्ड शॉर्ट ने क्या किया मर्ड शॉर्ट ये वाला कॉल किया वन वन तो ये फोर्थ वाला ये कॉल हुआ लेकिन यहाँ पर ये कॉल हो गया उसके बाद ये यहाँ पर कंप्लीट भी हो गया होगा ठीक है क्योंकि आखिरी है इसके बाद ये फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा है जब कंप्लीट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉप हो जाएगा तो फोर्थ वाला यहाँ से पॉप भी हो गया होगा ठीक है उसके बाद ये टू टू वाला कॉल हुआ होगा ये वाला कॉल हुआ होगा तो यहाँ पर ये फिफ्थ नंबर दे दिया मैंने इसको ये यहाँ पर आ गया ठीक है और फिर ये कंप्लीट भी हो गया होगा क्योंकि ये फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा है फिर यहाँ पर क्या होगा मर्ज कॉल हुआ ठीक है ये भी कंप्लीट हो गया फिफ्थ वाला और फिर मर्ज कॉल हुआ जिसको मैं सिक्स नंबर का दे रहा हूँ ठीक है और ये मर्ज कॉल होने के बाद ये कंप्लीट भी हो गया क्योंकि ये फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा है अब देखिए जैसे ये मर्ज कॉल हो गया होगा तो, तो यहाँ से ही यहाँ पहुँच गया होगा एम वन टू एम वन टू के सारे कंप्लीट हो गए ये भी कंप्लीट हो गया ये भी कंप्लीट हो गया ये भी कंप्लीट हो गया इसका मतलब एम एम एस वन टू भी कंप्लीट हो गया और एम एस वन टू क्या था हमारा थ्री था तो थ्री को भी पॉप कर देंगे ठीक है फिर आ गया एम एस थ्री फोर एम एस थ्री फोर क्या था हमारा सेवन्थ पोजीशन सेवन्थ वाला था सेवंथ फंक्शन ये फर्दर डिवाइड हो रहा है एम एस थ्री थ्री में तो यहाँ पर ये एट्थ पोजीशन वाला इसके ऊपर आ जाएगा एट्थ पोजीशन इसको मैं एट्थ दे रहा हूँ ये कम्प्लीट हो गया ये कम्प्लीट भी हो गया होगा साथ साथ में क्योंकि ये फर्दर डिवाइड हो रहा है इसी तरह से नाइथ वाला भी आया होगा और कंप्लीट हो गया होगा इसी तरह मर्ज भी टेंथ वाला आया होगा और कंप्लीट हो गया होगा और जैसे ये मर्ज ये तीनों कम्प्लीट हुए वैसे ही आपका ये एम एस थ्री फोर भी कंप्लीट हो गया होगा तो मतलब मतलब ये जो सेवन था ये भी हमारा कम्प्लीट हो गया ठीक है क्योंकि सेवन था ना एम एस ठीक है ये याद रखिएगा आप लिख लीजिएगा ठीक है फिर यहाँ पर क्या हुआ ये मर्ज कॉल हुआ मर्ज वन टू फोर मर्ज कॉल हुआ तो ये ये पुश हो जाएगा ये कौन सी वैल्यू है ये आपकी एलेवंथ वैल्यू है एलेवंथ और ये कंप्लीट भी हो गया होगा क्योंकि ये फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा है कम्प्लीट हो गया उसके बाद एम वन फोर एम वन फोर क्या था एम वन टू वाला था ये वाला था ये भी कंप्लीट हो गया ठीक है और फिर इसी तरह से एम फाइव एट एम फाइव एट को मैं दे रहा हूँ ट्वेल्थ वैल्यू तो ट्वेल्थ यहाँ पर ऐड हो जाएगा और ट्वेल्थ वाला एम एट वाला तीन में डिवाइड हो रहा है ठीक है एम फाइव सिक्स क्या हो जाएगा थर्टीन वैल्यू बन जाएगी जो कि यहाँ पर एड हो जाएगा फिर यहाँ पर थर्टीन वाला फर्दर डिवाइड हो रहा है इसमें एम एस फाइव फाइव में तो ये फ़ोर्टीन वाला यहाँ आएगा जैसी डिवाइड भी हो रहा है फाइव फाइव वाला कंप्लीट भी हो जा रहा है तो फोर्टीन यहाँ से गया और फिर एम एस सिक्स सिक्स फिफ्टीन वाला यहाँ पर आएगा कंप्लीट हो गया ये मर्ज कॉल हुआ ये सिक्सटीन वाला कॉल हुआ मर्ज भी हो जाएगा जैसे ये तीनों कंप्लीट हो गए तो आपका यहाँ पर एम एस फाइव सिक थर्टीन था ये भी आपका कंप्लीट हो गया पॉप हो गया ये फिर यहाँ पर एम एस सेवन एट पुष होगा जो कि क्या था तो सेवनटीन फंक्शन कॉल था ये सेवनटीन फंक्शन कॉल आ गया सेवनटीन फंक्शन कॉल के तीन फर्दर डि डिडेड हो रखा है तो एटीन वाला एम एस सेवन सेवन ये कंप्लीट हो गया होगा तो एटीन वाला गया ऐसी नाइनटीन वाला और ऐसे ट्वेंटी वाला मतलब ये तीनों कंप्लीट हो, हो गए यहाँ से ये यहाँ से बैक जाएगा तो इसका मतलब ये कंप्लीट हो गया सेवन एट मतलब सेवनटीन वाला भी कंप्लीट हो गया अब ये मर्ज एंटर हुआ मर्ज मर्ज यहाँ पर कितना गया ट्वेंटी वन वाला है ये मर्ज और ये कंप्लीट भी हो गया होगा तो ट्वेंटी वन वाला भी कैंसिल हो गया और जैसे ही तीनों कंप्लीट हुए गए यहाँ ये तीनों कंप्लीट हो गए वैसे ही ये भी कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पर ये तीनों कंप्लीट हो गए तो ये भी कंप्लीट हो गया था तो एम एस फाइव एट कम्प्लीट हो गया था एम एस फाइव एट क्या था ट्वेल्व वाला था तो ये हट गया यहाँ से उसी तरह से लास्ट में क्या होगा यहाँ पर ये मर्ज वन फोर एट एंटर करेगा मतलब वन वन एट कितना है ट्वेंटी टू वाला है ट्वेंटी टू वाला ये भी यहाँ पर से क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा ठीक है ये एंटर हुआ और कंप्लीट हो गया क्योंकि फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा है उसके बाद ही यहाँ पर से ये भी कंप्लीट हो गया तीनों डिवाइड कंप्लीट हो गए तो ये भी कंप्लीट हो गया मतलब ये भी पॉप हो जाएगा तो एक टाइम पे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक टाइम पे चार ही एक्टिव रिकॉर्ड रह रहे हैं ठीक है तो इसके साइज़ कितना हो गया फोर हो गया और ये फोर किस पर डिपेंड कर रहा है अगर इसकी आप हाइट देखें स्ट्रिकी वन टू थ्री फोर मतलब नंबर ऑफ लेवल्स देखें तो नंबर ऑफ लेवल्स कितने हैं फोर हैं तो नंबर ऑफ लेवल्स यहाँ पर कितने आ रहे हैं हमारा लॉग आ रहे हैं तो यहाँ पर मर्ज शॉर्ट में आपके जो लेवल आते हैं वो हमेशा क्या आते हैं लॉग आते हैं ठीक है लॉग तो यहां पर इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी लॉग होगी लेकिन यहां पर सिर्फ इतना ही स्पेस एक्वायर नहीं हो रहा है मर्ज शॉट में इसके साथ साथ एक और स्पेस एक्वायर हो रहा है कौन सा स्पेस यहां पर देखिए हम जो मर्ज कर रहे हैं ये जो मर्ज कर रहे हैं एरे में ये भी तो एक स्पेस एक्वायर करेगा और कितना स्क्वायर करेगा जितने एलिमेंट्स होंगे एरे में उतनी वैल्यू मतलब एन वैल्यू अगर एन एलिमेंट होंगे तो उसका साइज़ कितना होगा एन तो यहाँ पर एन आ जाएगा कितना आ जाएगा एन आ जाएगा तो यहाँ टोटल साइज कितना बढ़ गया एन प्लस लॉग इन स्पेस बढ़ गया और यहाँ पर अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर देखेंगे तो हमेशा बड़ी वैल्यू लेते हैं तो यहाँ पर ओ ऑफ एन आएगा तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई ओ ऑफ एन अब देखिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालेंगे अगर टाइम प्रॉप्स अगर देखना है आपको तो आपको मर्ड शॉर्ट देखना पड़ेगा कि मर् शॉर्ट का एल्गोरिदम क्या है तो यहाँ पर देखिए मर्ड शॉट में हम लोग क्या कर रहे हैं किसी भी मर्ड शॉर्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं इक्वली इक्वली तो यहाँ पर मान लीजिए कोई फंक्शन है टी एन तो अगर वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तो वो क्या होगा टी अपॉन टू तू में टूटा पहला वाला मर् शॉर्ट अपॉन टू में टूटेगा और मर्ज में कितना टाइम लगेगा मर्ज होने में मर्ज होने में बिग ऑफ एन लगेगा क्यों क्योंकि यहाँ पर एन नंबर ऑफ कंपेरिजन है ना एन एलिमेंट होंगे तो उनको कंपेयर करने में यहाँ एन टाइम लगेगा ठीक है तो यहाँ पर इस तरह से इक्वेशन बन गई तो इसको आपको सॉल्व करना आता है मास्टर थ्योरम से किस तरह से करते हैं इसको अगर मैं इस तरह से लिखूँ टी एन इजिकल टू कितना हो जाएगा टू टी एन बाई टू था प्लस ओ एफ एन इसका वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी इसकी वैल्यू निकल जाएगी एन लॉग एन ठीक है तो ये आपका आंसर बन जाएगा ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ये आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई यहाँ पर मैं छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा हमारा एक दूसरा चैनल भी है सी एस डी स्टूपेंट हो जहाँ पर हम आपके गेट से रिलेटेड सब्जेक्ट जो सी एस सी में पूछे जाते हैं वो वहाँ पर कवर करते हैं तो अगर आपको सी एस सी के सब्जेक्ट्स पढ़ने में इंटरेस्ट है जैसे डाटा स्ट्रक्चर हो गया एल्गोरिदम हो गया सी हो गया डाटा बेस हो गया ठीक है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हो गया ठीक है ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया वहाँ पर डिटेल में हम लोग वहाँ पर पढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ हम लोग आपके वहाँ पर गेट के क्वेश्चन भी सॉल्व करवा रहे हैं आपको ताकि आपको और डिटेल में अच्छे से आपकी तैयारी हो सके और इंटरव्यू के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर हो सकें अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और यहाँ पर आपको आई बटन पर भी फ्लैश हो रहा होगा उस पर जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे थैंक यू वॉचिंग गुड बाई टेक केयर